चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं की सभी बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट कक्षा 10वीं की बुक्स है विज्ञान। इसमें हम लोग 4 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, और लास्ट चैप्टर आपका 14वां चैप्टर देखा था हम लोगों ने, कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 5वें अध्याय। क्या है 5वां अध्याय? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। एक बात, एक जानकारी आप लोग हमेशा देता रहता हूँ और दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लें आप लोग, क्योंकि इस साल का हो, फिर चाहे पिछली साल का हो, फिर चाहे आने वाली सालों का हो, चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चंस पेपर हो, मेंस का हो, सब में आपका एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना एनसीईआरटी के कुछ नहीं उखड़ने वाला है। तो समय रहते हुए आप लोग सभी एनसीईआरटी को कवर कर लें, और आपकी वैसे सभी एनसीईआरटी टेलीग्राम पर डाल दी गई, और धीरे धीरे मैं भी इसे कवर करवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक तरह से सामान्य जानकारी जान लेते हैं। इसमें 9वीं कक्षा में हमने सीखा कि हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने यह भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता चल चुका है? आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न है। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। कितने टोटल आपके 118 हैं, उनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने लगे। उन्हें उन्हें तत्वों की इस जानकारी इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बड़ा ही कठिन लगा। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना आरंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों का आसानी से अध्ययन किया जा सके। मुझे लगता है कि जब आप 9th, 10th, 12th, 11th में थे, तब आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी या किसी भी आप देखते हैं कि बेहतर आता था। 118 तत्वों के बारे में आप लोग पढ़ते थे, आपको सभी रटे हुआ करते थे। कौन कहाँ है, किनकी परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, इन सब के बारे में आप लोग बेहतर जानते थे। आगे बढ़ते हैं। अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास हैं। हमने पढ़ा है कि कैसे विभिन्न वस्तुओं एवं प्राणियों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अन्य स्थितियों में भी हम गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित होने के उदाहरण मिलते हैं। जैसे दुकानों में साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है, जबकि बिस्कुटों को एक साथ दूसरे स्थान पर रखा जाता है। यहां तक कि साबुनों में भी नहाने के साबुन को कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। एक तरह से आप उसी तरह से समझिए कि आप बेरोजगार हैं, तो आपको जिस समाज में, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई रिश्तेदारी हो या कहीं भी कोई फंक्शन है, तो आपको अलग नजरिए में रखा जाएगा, अलग स्थिति में रखा जाएगा आपको। आप मान लीजिए कल आप सबसे जो गए सिविल सर्वेंट बन चुके हैं, तो आपको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो उसी तरह की बात की जा रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को वैसे इस तरह की जो भी जहां भी होता है, कभी अकबर के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अकबर की जगह अपने आप को रख लिया करिएगा, अपने आसपास से जोड़कर इन्हें पढ़ा करिएगा, तो बेहतर समझ में भी आता है और बेहतर आपको याद भी रहता है। आगे चलते हैं। डोबेराइनर की त्रिक। सन 1817 में 17 में जर्मन रसायनक वुल्फ गांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूह को चुना एवं उन्हें उन समूहों को तिक कहा। क्या कहा? त्रिक कहा। डोबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनकी परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। उदाहरण के लिए लिथियम Li, इसके एक तो शॉर्ट नाम आप लोग हमेशा याद रखा करिएगा, और इसका फुल फॉर्म, क्योंकि पता है आप लोगों को, कहीं भी आप देखते होंगे कि डायरेक्ट फुल फॉर्म कभी यूज किया जाता है। सोडियम का देखते होंगे Na लिखा आ जाता है। पोटेशियम के वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.9, 23, 23.0 और 39.6
छह, लिथियम एवं पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? निम्न सारणी में तीन तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डोब्राइनर त्रिक बनाता है? समूह ए हो गया तत्व, परमाणु द्रव्यमान हो गया इनका। समूह बी के तत्व हो गए, परमाणु द्रव्यमान हो गया। समूह सी के तत्व हो गए, परमाणु द्रव्यमान हो गया। ए आपका एन हो गया 14.0, इसका परमाणु क्या है 14.0। फिर आपका सी ए, इसका 40.1। फिर आपका सी एल, इसका कितना है 35.5। इसके सीधा सा कहने का मतलब है कि जैसे ए बी सी है, तो मान लीजिए कि इसका ए और सी का भार लगभग, परमाणु द्रव्यमान लगभग बीच के जो भी होगा इसके औसत के बराबर होगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें। इसी तरह आप इसे भी देख लीजिए, आप देखेंगे कि समूह बी और समूह सी डोब्राइनर त्रिक बनाते हैं। समूह बी और समूह सी क्या बनाते हैं? डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल त्रिक, तीन त्रिक की ही ज्ञात कर सकते थे। इसलिए त्रिक में वर्गीकरण करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। कल्पना कीजिए कि आपके आपको तथा आपके दोस्तों को टुकड़ों में बांटा हुआ एक नक्शा मिलता है जो किसी खजाने का पता बताता है। क्या उस खजाने तक का रास्ते का पता करना आसान होगा या अव्यवस्थित? रसायन विज्ञान में भी ऐसी अव्यवस्था थी। तत्व तो ज्ञात थे, लेकिन उनके वर्गीकरण और अध्ययन की कोई विधि ज्ञात नहीं थी। इनके बारे में भी जान लीजिए। जे डब्ल्यू डोबे राइनर 1780 से 1859 तक इनकी जिंदगी रही है। कितनी? 1780 से 1849 तक। जोहान बुल गांग डोबे राइनर ने जर्मनी के म्यूनसेबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्टेट्स वर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना और तथा समान त्रिक की खोज की जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। लेकिन याद रखिए, जो डोबराइनर का तीन बिंदु वाला त्रिक बिंदु था, एक सफल नहीं हुआ पूरी तरह से। ठीक है, फिर आप देखेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनों को तत्वों के गुणधर्म को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यू लैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक आठवीं तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी आप लोग जानते हैं। न्यू लैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद आठवां तत्व है। इसी तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है। न्यूलैंड्स के अष्टक के मूल रूप का एक भाग सारणी 5.3 में दिया गया है। इसमें देखिए न्यूलैंड्स का अष्टक नियम सारे गामा मा पा धा नी, आप समझ रहे हैं, इसी के नाम आधार पर तो एक तरह से अष्टक कह दिया। इसे डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है, ये संगीत के स्वर हैं। आप लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते होंगे तब आपको जरूर याद होगा। देखते रहिए हाइड्रोजन लिथियम बेरियम। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्या आप संगीत के स्वरों से परिचित हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के सात स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी। पश्चात संगीत में लोग इन स्वरों को ऐसे उपयोग करते हैं डो रे मी फा
सो ला टी, ठीक है। सुर के स्केल पूर्ण पूर्ण टोन और अर्ध टोन आवृत्ति अंतराल से अलग किए गए होते हैं। इन स्वरों का उपयोग कई कर कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ स्वर बार बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक आठवां स्वर पहले स्वर जैसा होता है, अगली पंक्ति का पहला स्वर होता है। तो उसी तरह ये अष्टक नियम में भी देखा जाता है। ऐसा देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। जो कैल्शियम है यहां तक मिलते थे इसके गुणधर्म, लेकिन कैल्शियम के बाद बदल गए, ठीक है। न्यूलैंड ने कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनकी गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। अपनी सारणी में इन तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों की एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या आप सारणी 5.3 में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन है। यद्यपि इनके गुणधर्म उन तत्वों दोनों तत्वों से भिन्न है, आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया है जबकि उनके गुणधर्म में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, यानी कि एक तरह से आप कहिए कि इनने भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए सभी तत्वों को क्रमबद्ध लगाने में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये काफी, आप सोचिए इनसे आगे ये भी काफी बढ़ चुके हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिसमें तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया है। आप लोग सुनते रहते हैं मेंडलीव की सारणी, समझ रहे हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो ये काफी सक्सेस भी रहे हैं। दमित्री इवानोविच मेंडलीव, इनका जीवन रहा है 1834 से 1907 तक। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिमी साइबेरिया के टोवोलस्क स्थान में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीव अपनी माँ के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने माँ को समर्पित करते हुए लिखा है कि उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणाओं एवं गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एक मेयो सिद्धांत साबित हुआ है। इससे नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा भी मिली है। तो ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं आप, किसकी है, मेंडलीव की। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। कितने? 63, 63। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक भी बनाते हैं आपके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद भी बात फिर आ जाते हैं। इसी प्रकार इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं।
क्या है, तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की अवसायणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप यानी कि समूह भी कहते हैं और पंक्तियों को पीरियड यानी कि आवर्त कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं मेंडलीव की अवसायणी एक समूह हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका आवर्त सारणी हो गया, ठीक है। ऑक्साइड हाइड्राइड, हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से चालू हो रहा है लिथियम, तो इसे देखते रहिएगा। मेंडलीव की अवसायणी 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई, कब, 1872 में। स्तंभ के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। सूत्र को लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए कार्बन के हाइड्राइड CH4 को RH4 तथा उसके ऑक्साइड CO2 को RO2 लिखा गया है। एक बात और आपको बता दूं मैं कि इसमें कोई डायरेक्ट आपसे बनाने के लिए नहीं आ रहा है, सिविल सर्विस में अभी आपको, मुझे नहीं लगता है कि कभी डायरेक्ट आपको बनाने के लिए आ जाएगा, लेकिन आपको याद तो होना चाहिए इतना, समझ रहे आप लोग कि कौन कितने तत्व हैं, क्या है, क्या स्थिति है इनकी, परमाणु भार क्या है इनका, ठीक है, इसी तरह की। अब आगे है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा, क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट, इसका परमाणु द्रव्यमान आपको देखने को मिलेगा 58.9। सारणी में निकेल यानी इसका परमाणु द्रव्यमान देखने को मिलेगा 58.7 से पहले, यानी कि कम का ज्यादा वाला कम वाले से पहले रखा गया। सारणी 5.4 को देखकर क्या आप ऐसी अन्य विसंगति ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया है। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है ज्ञात हो, इसे यही छोड़ सोचकर उन्होंने छोड़ा। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इसके पहले आने वाले तत्वों के नाम में एका संस्कृत शब्द उपसर्ग लगाकर किया है, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियन, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को सारणी 5.5 में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी बात कर रहा हूँ, एका एल्यूमिनियम तथा गैलियम के गुणधर्म, एक गुणधर्म हुए परमाणु द्रव्यमान, एका एल्यूमिनियम और गैलियम, ए अर्थ परमाणु द्रव्यमान 68.7, माफ करिए 68, और ये आपका 69.7। ऑक्साइड का सूत्र की बात करें तो E2O3 और Ga2O3। क्लोराइड का सूत्र बात करें तो ECl3, GaCl3। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए हैं। इसके अलावा मेंडलीव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनके इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जक भी माना है। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आपकी आर्गन हो गई का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है, क्या है, अक्रिय गैस है तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम देखने को मिलेगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना इन्हें नए समूह में रखा जा सका। तो काफी हद तक आप कहिए कि मेंडलीव सफल रहे, लेकिन आप देखते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें सीमाओं, इनके वर्गीकरण की सीमाएं क्या है, समस्याएं क्या है, उन्हें भी देख लेते हैं। मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं भी है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है, किसका, हाइड्रोजन जो तथ्य आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं को धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हेलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है, जैसा उदाहरण में दिखाया गया है। दूसरी ओर हेलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्वि परमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन के यौगिक हो गए सोडियम के यौगिक हो गए HCl, NaCl, H2O, Na2O, H2S,
Na2S। क्रियाकलाप भी देख लीजिए, केवल इसे पढ़ना है आपको, निकल जाना है। ठीक है, क्षार धातुओं एवं हेलोजन कुल की समानता को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन को मेंडलीव की आवर्त सारणी में उचित स्थान पर रखिए। हाइड्रोजन को किस समूह में एवं आवर्त में रखना चाहिए? निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है, यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। अब देखिए, आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाएगा कि कहां तक सफल रहे हैं, इसमें कौन कौन सी इनकी कमियां थी। तो आप एक तो सबसे पहले इसे ही कमी को बता सकते हैं, या पूछ ले आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसमें क्या कमी थी। तो आपको बता देना है कि जो हाइड्रोजन है इसे नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है, यह मेंडलीव की सबसे बड़ी एक तरह से आपकी ये पहली कमी थी, और वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान भी नहीं दे पाए। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो एक तरह से समस्थानिक क्या कहलाते हैं, जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं आप लोग, समस्थानिक। फिर से सुन लीजिए, समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिन तत्वों के रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 5.2 को देख लीजिए। क्लोरीन के समस्थानिक Cl-35 और Cl-37 पर विचार कीजिए, उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होने के कारण क्या आप उन्हें अलग अलग रखेंगे, या रासायनिक गुणधर्म समान होने के कारण आप दोनों को एक ही स्थान पर रखेंगे। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीव के आवर्त सारणी आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन हो गया है कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। तो ये आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां हैं या दोष हैं। ठीक है, या सीमाएं भी कर सकते हैं आप लोग, इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी खत्म हो चुकी, अब जो नई आधुनिक समय की आवर्त सारणी है इसे भी देख लेते हैं। सन 1913 में हेनरी मोजली ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आप जानते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या का पता चलता है। जब भी आपने देखा होगा कि जब बात आती है परमाणु संख्या की, तो आप क्या मालूम चल इससे मालूम क्या रहता है, प्रोटोनों की संख्या का जो नाभिक में रहते हैं, तथा एक तत्व से दूसरे तत्व बढ़ने पर इसकी संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है। तत्वों को उनकी उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। सारणी 5.6 में तत्वों को परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्मों का अधिक परिशुद्धता से अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 5.3 देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट एवं निकेल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के समस्थानिकों का स्थान कैसे सुनिश्चित किया गया है? क्या 1.5 परमाणु संख्या वाले किसी तत्व को हाइड्रोजन हीलियम के मध्य रखा जा सकता है? आपके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को कहां रखा जाना चाहिए? आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की आवर्त सारणी की तीनों कमियों को सुधारा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान किन बातों पर निर्भर करता है यह जानने के लिए के बाद हम हाइड्रोजन की असंगत स्थिति का चर्चा करेंगे। एक नॉर्मल सी स्थिति आप लोग समझिए, एक समय आप देखते थे कि जो रेत आती है इसका यूज कोई नहीं करता था ज्यादा, आज आप देखिए कि इसका बेहतर यूज होने लगा है, और समय आने पर हो सकता है कि और इसका बेहतर यूज होने लगे। वैसे भी टेक्नोलॉजी का है, पहले आप सोचिए कि हम लोग साइकिल से चलते थे, फिर आपने देखा है कि बस आने लगी, इस तरह से ट्रेन आने लगी, हवाई जहाज, इस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती रही तो नए नए दिमाग आते रहे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमी रह गई वो आधुनिक आवर्त सारणी ने पूरी कर दी। ठीक है, वो इसीलिए तो ये आई हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति की बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 इसमें क्षैतिज पंक्तियां देखने को मिलेंगी जिसे आप लोग आवर्त कहते हैं। आइए देखते हैं कि किसी समूह
अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है? क्रियाकलाप 5 पॉइंट। आवर्त सारणी के समूह एक में उपस्थित तत्वों के नाम बताइए। समूह एक के पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है? इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? तो ये है आपकी आधुनिक आवर्त सारणी, इसे ही आप लोग आजकल उपयोग में भी लाते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये धातु है, इस रंग में आपको उपधातु देखने को मिलेगी, इसमें आपको अधातु देखने को मिलेंगी। ये समूह संख्या हो गई, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं धातुओं को अधातुओं से अलग भी करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ आपको क्या है, अधातु है हाइड्रोजन, यहाँ से समूह होता है आपका, हाइड्रोजन से क्या होता है समूह। फिर आप देखते हैं कि हाइड्रोजन के बाद आप हीलियम, फिर आप देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, उसके बाद यहाँ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से आप लोग चलते रहिए और एक लास्ट में आए आपका ओजी, ये आपका 118वां तत्व, 117वां एक तत्व है, ठीक है। तो इन्हें आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, बस ध्यान रखने के लिए, सभी को रटना जरूरी, मुझे नहीं लगता है कि रटना जरूरी है, और वैसे भी आप लोग 1 से 2 बार पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपको। बस आपको धातु में भी ये याद रखना है, उपधातु और अधातु, और ये आपको दिख रहा है ये आपकी अधातु हो गई और ये उपधातु हो गई, थोड़ा रेड से कलर में आपको, और बाकी ये धातुएं हो गई। हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, और बोरोन क्या है, ये उपधातु है, कार्बन क्या है, ये आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपकी अधातु है, लिथियम क्या है, ये आपकी धातु है, ठीक है। लेंथेसाइड देखिए 57 के बाद छूट गया था ना, लेंथेनाइट, यहाँ आपको 58, फिर आप देखते हैं 71 तक, फिर आप देखेंगे एक्टिनाइट, ये आपकी 90 से यहां से और 103 तक। आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इस प्रकार आप देखेंगे कि एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, जैसे फ्लोरीन तथा क्लोरीन को समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन एवं क्लोरीन की बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इससे पता चलता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बाहरी कोष के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, यद्यपि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि इसे पहले आवर्त के समूह एक या फिर समूह 17 किसी में भी रखा जा सकता है, क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्रियाकलाप आप देख लीजिए 5.5 को भी, यदि आप आवर्त सारणी की आधुनिक रूप में देखें तो आपको पता चलेगा कि लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन दूसरे आवर्त के तत्व हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या इन सभी तत्वों की भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? क्या इनके कोषों की संख्या समान है? आप देखेंगे कि इन दूसरे आवर्त के तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। आप यह भी देखेंगे कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर यदि परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी इकाई वृद्धि होती है। आप कह सकते हैं कि अध्यासित कोषों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं, NaMg, Al, Si, P, S, Cl, Ar आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं क्योंकि इनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक KLM कोषों में स्थित हैं। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर इस कथन की पुष्टि कीजिए। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि एक नया कोष इलेक्ट्रॉनों से भरा गया है। पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? विभिन्न कक्षों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्तों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं। आगे की कक्षा में आप इस बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर निर्भर करती है, जहां n नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। n किसे दर्शाता है? नाभिक से नियत कोष की संख्या को दर्शाता है। k कोष आप देखेंगे 2
इंटू वन स्क्वायर यानी कि बराबर प्रथम आवर्त में दो तत्व आएंगे आपके, एल कोश में आप देखेंगे इसमें आठ, दूसरे आवर्त में आपके आठ तत्व आएंगे, तीसरे चौथे पांचवे छठवे और सातवें आवर्त में क्रमशः आपको देखने को मिलेगी आठ अठारह अठारह बत्तीस बत्तीस देखने को मिलेंगे। इसका कारण आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता चलता है। आप जानते हैं कि तत्व द्वारा निर्मित आवंद का प्रारूप तथा इसकी संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्धारित होती है। क्या अब आप बता सकते हैं कि मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों की स्थिति निर्धारित करने के लिए यौगिकों के सूत्र को आधार बनाया था, वह शुद्ध था। इस आधार पर समान रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में कैसे रखा जा सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति की बात करें तो संयोजकता, आप जानते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। क्रियाकलाप 5.6 को भी पढ़ लीजिए। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप उसकी संयोजकता का परिकलन कैसे करेंगे। परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम और परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या होगी। इस प्रकार पहले 20 तत्वों की संयोजकता ज्ञात कीजिए। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है। परमाणु साइज की बात करें, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसकी सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 PM है, पिकोमीटर। 1 PM बराबर 10^-12 m है। आइए हम समूह तथा आवर्त में परमाणु साइज की भिन्नता का अध्ययन करें। क्रियाकलाप इसे भी देख लीजिए 5.7 को। मुझे लगता है कि आप लोग इन्हें पढ़ लें और निकल जाए, एक से दो बार पढ़ लें, क्योंकि इसमें आप लोग जब तक की प्रैक्टिकल ना हो आपकी जिंदगी में, आप समझिए कि आप एक तरह से या तो एक आपके पास ऑप्शन है कि जो इसका केमिस्ट्री का कोई महान ज्ञाता है, जैसे हम मैं लीजिए आप देखिए, मुझे ज्यादा इसके बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, तो एक तरह से या तो सीधा सा है आपको, और मुझे लगता है कि इतना नहीं पूछा जाएगा कि आपको पूरी आवर्त सारणी लिखने के लिए आ जाए, समझ रहे हैं, कि मेंस में आपको आंसर लिखने के लिए आ जाए, बस आपको परमाणु भार पूछ सकता है या त्रिज्या पूछ लेगा आपसे। दूसरे आवर्त के तत्वों की परमाणु त्रिज्या नीचे दी गई है। दूसरे आवर्त के तत्व हो गए, इनके परमाणु त्रिज्या दी गई है। इन्हें परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या ये तत्व अब आवर्त सारणी के आवर्त की तरह ही व्यवस्थित है। किसी तत्व का परमाणु सबसे बड़ा है एवं किसका सबसे छोटा। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है। आप देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या है, आप देखेंगे कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिसके परमाणु का साइज घटता जाता है। इसे भी देख लीजिए क्रियाकलाप 5.8 को। प्रथम समूह के तत्वों के परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन का अध्ययन कीजिए तथा उन्हें आवर्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसी तत्व का परमाणु सबसे छोटा और किसका सबसे बड़ा है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में कैसा परिवर्तन होगा। आप देखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। देखिए मुझे लगता है जहां तक, और आप देखेंगे पुराने साल के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखेंगे, तो वो आपसे ये तत्वों के आप समझिए कि लिखने के लिए कभी नहीं मुझे लगता है पूछा गया। एक आध क्वेश्चन अगर आ गया हो तो मुश्किल से, वरना मुझे इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं देखने को मिलेंगे। ये भली पूछ सकता है कि परमाणु का साइज ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। अगर आपसे पूछे कि परमाणु त्रिज्या दाईं ओर बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होती, बढ़ती है या घटती है, तो आपकी घटती है, यही मुझे लगता है कि पूछ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है, और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म की बात करें तो क्रियाकलाप 5.9 को देख लेते हैं। तीसरे आवर्त के तत्वों की जांच कर उन्हें धातु एवं अधातु में वर्गीकृत कीजिए। सारणी की किस ओर धातुएं स्थित हैं, सारणी की किस ओर अधातुएं स्थित हैं। Na और Mg जैसी धातुएं सारणी के बाईं ओर तथा सल्फर एवं क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर देखने को मिलेंगी आपको। मध्य में सिलिकन स्थित है जिसे अर्धधातु या फिर उपधातु कहते हैं। सिलिकन याद रखिए अर्धधातु और उपधातु अर्धधातु में गिनी जाती है, या अधातु और धातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करता है, इसलिए उपधातु कह देते हैं या अर्धधातु।
आधुनिक आवर्तारिणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, रियम एवं पॉलिनियम धातुएं एवं अधातुएं दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करने करते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु फिर या उपधातु भी कहते हैं। तीसरे अध्याय में आपने देखा है कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक। इसे भी देख लीजिए, क्रियाकलाप 5.10 को, समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है, आवर्त में प्रवृत्ति कैसे बदलती है। आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोषों के इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। क्या होता है? आप देखेंगे आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की उनकी प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है क्योंकि सबसे भारी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन गुण सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं, इसलिए धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर आप देखेंगे अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति भी होती है। आइए इन गुणधर्मों की विविधता के बारे में जानकारी लगाते हैं। क्रियाकलाप इसे देवी देख लीजिए 5.11 को, आप 5.11 को, आप लोग जब क्रियाकलाप को पढ़ते हैं उसके बाद जो लाइनें दी रहती हैं उन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी की दाहिनी ओर ऊपर की ओर स्थित होती हैं। इन प्रवृत्तियों में से हमें इन तत्वों से बने ऑक्साइडों की प्रकृति का भी पता चलता है क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारकीय, और धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। यही जानकारी मुझे लगता है कि याद रखना चाहिए आपको, कौन सी के धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं या अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए, धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये आप लोग क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग लगे मेंडलीव की फिर आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी रटने लगे तो मुझे लगता है कि रटने वाला समय खत्म हो गया। ठीक है, आपने क्या सीखा? लास्ट में इसे भी पढ़ लिया करिए अच्छे से। तत्वों के उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। डोबेराइन ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया जबकि न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया। या पूछ लेगा कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था और किससे संबंधित है, तो न्यूलैंड न्यूलैंड्स का है। ठीक है, और तत्वों के वर्गीकृत से मेंडलीव के ने तत्वों के उनको उनके परमाणु द्रव्यमान के आणविक क्रम और तथा रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया है। या फिर पूछ लेगा आपसे कि मेंडलीव ने तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया था, तो याद रखिए परमाणु द्रव्यमान के आणविक क्रम और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में खाली स्थानों के आधार पर नए तत्वों की भविष्यवाणी की थी। एक तरह से आप समझिए कि एक रूम आप लोग अलग अधिक बना लीजिए या खाली छोड़ दीजिए और बगल में आप सेट हो जाइए, यही अंदाजा लगा कि आपके घर में एक नया मेंबर आएगा उसके लिए रूम हो जाएगा। यही तो आप लोग भविष्य में एक तरह से प्लान बना के चलते हैं, उसी तरह इन्होंने भी किया। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से होने वाली विसंगतियां परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से दूर हो गई हैं। तत्वों के इस आधारभूत गुणधर्म अर्थात संख्या की खोज मोजली ने की थी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 18 ऊर्ध्व स्तंभों जिन्हें समूह कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्तियों जिन्हें आवर्त कहते हैं में व्यवस्थित किया गया। इस प्रकार व्यवस्थित तत्व परमाणु साइज, संयोजकता का या फिर संयोजन क्षमता तथा धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण जैसे गुणधर्मों में आवर्तता प्रदर्शित करते हैं। ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें भी आप लोग लगा लेना। ठीक है, और PDF की बता चुका हूँ कि आपके टेलीग्राम पर सभी डाल दिए हैं। देखिए इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मैं भी कोई केमिस्ट्री का ज्ञाता नहीं हूँ, समझ रहे हैं कि मैं आपको घोल के पिला दूं, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से आप लोग खुद देखते रहिए एक से दो बार। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं जैव विक्रम में। इसमें ये शुरू के मुझे नहीं लगता है कि एक सामान्य जानकारी के लिए काफी है। इसमें आप देखेंगे आपको जो हकीकत में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मानव नेत, विकास परावर्तन, अपवर्तन, अनुवांशिकता, जैविक विकास, जीव जनन कैसे करते हैं, इन चैप्टरों से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग 6वें चैप्टर में जैव विक्रम में।